नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची बात सच्चाई के साथ कहने वाला आपका पसंदीदा न्यूज चैनल टैलेंटेड इंडिया, और मैं हूं आपका साथी विश्व अमरनाथ तिवारी। एक औरत के साथ दरिंदगी करने वाले, एक मासूम के शरीर में रॉड डालने वाले, एक के बाद एक छह दरिंदों द्वारा एक औरत की अजमत लूटने वाले, ऐसे लोगों को समाज में जीने का हक है या नहीं? अगर ये सवाल आपसे किया जाए तो सभी का एक ही जवाब आता है कि नहीं, ऐसे लोग समाज में जिंदा रहने के लायक नहीं है। हुआ भी कुछ ऐसा ही है। निर्भया के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने वाले दरिंदों को कानून ने मौत की सजा दे दी है। 1 फरवरी की सवेरे उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन इस फांसी से पहले इस देश में मानवता और पशुता के बीच में एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल विवाद की शुरुआत होती है पवन, मुकेश, अक्षय और विनय, इन चारों की जो वकालत कर रही हैं इंदिरा जयसिंह, वहां से इंदिरा जयसिंह ने निर्भया की मां आशा देवी से ये गुहार लगाई है कि मानवता के आधार पर वो इन चारों अपराधियों को माफी दे दें, और इसके लिए उन्होंने हवाला दिया है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का, कि कैसे इन तीनों ने अपने पिता की हत्या करने वाली नलिनी मुरुगन को फांसी की सजा जो हुई थी उस पर उन्होंने उसे माफी दे दी। अब इस पर निर्भया की मां आशा देवी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि वो महिला होकर ऐसी बात कैसे कर सकती हैं। एक महिला होकर वो महिला के दर्द को नहीं समझ पा रही हैं कि बलात्कार में कितनी पीड़ा चाहिए होगी उसने, उसके साथ जब हुआ होगा तो उसने कितना दर्द हुआ होगा, वो कितनी चीखी चिल्लाई होगी। एक महिला होकर वो महिला के इस दर्द को नहीं समझ पा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा जयसिंह जैसी वकीलों के कारण ही, इनके जैसे महिलाओं के कारण ही देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं। इसके बाद इंदिरा जयसिंह के खिलाफ पूरे देश में आग के शोले भड़क गए, तरह जगह जगह उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। लेकिन अब इसी आग में घी डालने का काम किया है बॉलीवुड की मशहूर कॉन्ट्रोवर्शियल हीरोइन कंगना ने। एक इवेंट के दौरान जब कंगना से ये पूछा गया कि जो निर्भया के हत्यारे हैं तो उन्हें माफ़ी देने की बात की जा रही है, जैसे सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ़ किया वैसे ही निर्भया की माँ उन बलात्कारियों को माफ़ कर दें, तो इस पर कंगना रनौत भड़क गई। कंगना रनौत ने कहा कि वो एक महिला होकर ऐसी ओछी बात कैसे कह सकती हैं, सोच भी कैसे सकती हैं, और अगर उन्हें वाकई ऐसा लगता है कि उन्हें माफ़ी दे देनी चाहिए तो इंदिरा जय सिंह को 4 दिन उन चारों बलात्कारियों के साथ जेल में रख देना चाहिए। कंगना यही नहीं रुकी, इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं जो इस तरह के बलात्कारियों और वहशियों के प्रति दया की और रहम की भावना रखती हैं, ऐसी ही महिलाओं की कोख से ऐसे वहशी, दरिंदे और बलात्कारी जन्म लेते हैं। ये था पूरा उनका बयान, और उन्होंने अपने इस बयान के द्वारा उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। खैर, इंदिरा जयसिंह कितनी भी वकालत की हथकंडे अपना लें, वो कितनी ही गुहार लगा लें, इस देश के कानून ने अपनी सज़ा सुना दी है। 1 फरवरी की सुबह सूर्य उदय पर उन्हें सजाए मौत दे दी जाएगी, ताकि वो 1 फरवरी की शाम को सूर्यास्त न देख सके। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज़। इस सवाल के साथ कि क्या किसी महिला के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति को समाज में जिंदा रहने का हक है या नहीं, क्या जो जानवरों जैसी हरकतें कर रहा है उसके साथ मानवता दिख जाए या नहीं, इस सवाल का जवाब अपने अंदर जरूर खोजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।